हमास चीफ याया सिनवार को मारे जाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। याया सिनवार को सिर पर गोली मारी गई थी, जिसके कारण वो मारा गया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि याया सिनवार के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। इजरायली पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर शेन कूगेल ने कहा है कि सिनवार को दूसरी गंभीर चोटें आई हैं, जो संभवतः एक टैंक शेल या मिसाइल से हुआ। उन्हें विश्वास है कि याया सिनवार की मौत सिर में लगी गोली से हुई है। सिनवार जो उस बिल्डिंग में था, उसे टैंक से उड़ाते हुए इसराइल ने नया वीडियो भी जारी किया है। उसकी एक उंगली भी गायब थी, जिसे डीएनए टेस्ट के लिए इसराइली सैनिकों ने काटा था। इजरायली सेना ने पहले कहा था कि एक टैंक की ओर से इमारत पर गोले दागे गए, जिसके बाद सिनवार की मौत हो गई थी। इसमें वो पहले ही घायल हो चुका था। हालांकि इजरायली सेना ने अपने सैनिकों की ओर से की गई गोलीबारी के बारे में कुछ नहीं कहा था। इस मामले में डॉक्टर कुगेल ने कहा, मौत का कारण सिर में गोली का घाव है, उसके सिर में गोली लगी जिससे ब्रेन में चोट आई। रिपोर्ट के मुताबिक कुगेल ने ही सिनवार के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किए। कुगेल के निष्कर्षों पर आईजीएफ के एक प्रवक्ता ने कहा है कि याया सिनवार और इजरायली सेना के बीच फायरिंग हुई थी। इजरायली सेना ने टैंक का गोला दाग कर लड़ाई को खत्म किया। सेना अभी भी घटना के सभी विवरण को जानने के लिए काम कर रही है। कुगेल सिनवार के शव की जांच के कारण अपने विश्लेषण पर भरोसा जता रहे हैं। डॉक्टर ने कहा, मैं वही बातें कह रहा हूं जो मैंने शव पर पाया। उसे कई और चीजों से चोटें लगी, जैसे उनके दाहिने बाह के हिस्से में धमाके की चोट, उसके बाएं पैर या जांघ पर मलबे के गिरने से लगी चोट, कई छर्रे जो उसके छाती में घुस गए, इससे उसे गंभीर चोट आई, लेकिन मरने का कारण सिर में लगी गोली ही है। हमास नेता याया सिनवार की मौत की पुष्टि गुरुवार यानी कि 17 अक्टूबर को इजरायली अधिकारियों ने की। बाद में हमास ने भी इसकी पुष्टि कर दी। हालांकि उनके डेड बॉडी के साथ क्या किया जाएगा, उसे कहां रखा जाएगा और भविष्य में इसका क्या हो सकता है, इस बारे में सवाल अभी भी बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।